केंद्र सरकार की तानाशाही नीति और भाजपा के इशारे पर ईडी की कार्यवाही का दबाव बनाने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर ग्रामीण एवं भिलाई शहर के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव डाल परेशान करने ईडी आयकर सीबीआई का मनमाना दुरुपयोग कर रही केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर ग्रामीण एवं भिलाई शहर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को हिंदी भवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता देवेश मिश्रा ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार की तानाशाही नीति और चुनी हुई अन्य दलों की सरकार को सत्ता से बेदखल करने की नीयत से और जिस प्रकार हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव डालने परेशान करने ईडी आयकर सीबीआई का मनमाना दुरुपयोग केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस अवसर पर पहुंचे कांग्रेस के दुर्ग भिलाई महापौर सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने वक्तव्य से लोगों को संबोधित किया। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार हमेशा लोगों को प्रलोभित करती है, विक्रमित करती है। आज ईडी के मामले में लेकर के उसने जिस तरह का आंदोलन हम लोगों के माध्यम से करवाया है, क्योंकि उन्होंने गलत रवैया अपनाया। क्योंकि जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा जाते हैं उस पर ईडी का समर्थन खत्म हो जाता है, परंतु जो कट्टर कांग्रेस ही आज राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, आज उनके पर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि ये हलाल करके एक पेपर था उसके माध्यम से उस समय हमारी लड़ाइयाँ चलती थी। उसी पेपर के माध्यम से हम लोग जागृत होते थे, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, परंतु उसको उन्होंने जो 2010 से 14 के बीच में जब इसका ख़त्म हो चुका उसके बाद फिर इस केस को वापस उठाना, ये तो गलत नीति है। क्योंकि भाजपा सरकार बोलती कुछ है करती कुछ है, क्योंकि इनकी कसमें करनी में अंतर है और कांग्रेस सरकार जो बोलती है वो करती है। मेरा बस इतना ही कहना है कि भाजपा सरकार लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आज आने वाले समय में खैर वो तो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह प्रधानमंत्री बने थे वो स्वयं जानते हैं किस तरह बने थे। आज महिलाओं के घरों को दिखाया 5 रुपये की नोटबंदी करा कर परिवार वाले जो लड़े, पति पत्नी लड़े, बच्चे लड़े, आज लोग लड़ाई पढ़ाई हो चुके, चाहे व्यवसायी हो चाहे कोई भी हो। क्या विपक्ष विहीन सत्ता जो है तानाशाहों की पहचान है। तानाशाह जो होता है उसको सवाल नहीं पसंद, वो नहीं चाहता कि कोई उसके सामने खड़ा हो, कोई इसका विरोध करे। स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्षों का सम्मान होता है। विपक्ष जो होते हैं उनको दुश्मन की तरह देखना तानाशाहों की पहचान है। और जिस तरीके से आज के भारत में मोदी और शाह द्वारा विपक्ष का के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, ईडी द्वारा, आईटी द्वारा, सीबीआई द्वारा, ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है, बल्कि इसके लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रशासनिक गुंडागर्दी की पहचान है ये, और इससे आने वाले समय में लोकतंत्र जो है रसातल पर पहुंच जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं ईडी वालों से कि आज उनकी सत्ता है, स्थितियां ख़राब होती जा रही हैं, आप लोकतंत्र को ख़राब करते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में जब आप रिटायर होंगे आपके बच्चे भी इसी लोकतंत्र में रहेंगे, ऐसी निरंकुशता, ऐसी अराजकता में उनका क्या होगा भविष्य, ये उनको भी अपने आप से पूछना है। ये सवाल उनको अपनी नैतिकता से पूछना है। तो ये लड़ाई सिर्फ सोनिया गांधी जी के लिए नहीं है, ये लड़ाई भारत के हर उस नागरिक के लिए है जो आने वाले समय में इस परेशानी से गुजरने वाला है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो साफ एंड साफ है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को ईडी दफ्तर में बुलाकर उससे पूछताछ करना, केंद्र सरकार और ईडी यदि वास्तविक रूप से उसमें हिम्मत है तो वो जो सार्वजनिक करे उनसे क्या पूछा जा रहा है, क्या उन्होंने गलती किया है, देश की जनता उसको जानना चाह रही है। जिसके विरोध में कल प्रदेश में और आज पूरे संगठन जिले के पूरे 27 जिलों में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरकार हमारे कांग्रेसियों को डराने का काम मत करे, धमकाने का काम मत करे अपने सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से। ये कांग्रेस के वही लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई में हम कांग्रेसी नहीं डरे। तो ईडी और ईएसआईबी सारे लोगों से हम सामना करने के लिए सक्षम हैं। केंद्र की भाजपा सरकार मोदी सरकार के द्वारा सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो,
भारतीय जनता पार्टी अपने वादों में विफल रही है, चाहे 15 लाख देने की बात करें, चाहे आप रोजगार या पूर्णबंदी महिलाओं को किसानों की आय दोगुना करने सहित हर मामले में महंगाई कम करने के मामले में केंद्र सरकार विफल रही है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने धर्म की बात महंगाई को फैल करने की बात उसमें भी विफल हो गए। पच्चीस लोग विधायकों को सांसदों को प्रदान किए जिसमें कई प्रदेशों में हो गए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।